दोस्तों कितना बुरा लगता है ना जब स्विच दबाओ और घर का पंखा या एसी ऑन नहीं हो, तो कारण कि बिजली नहीं है, भले ही वो महज 2-4 मिनट के लिए क्यों ना हो, इतना तो बुरा लग ही जाता है कि आप 2-4 गालियां तो आराम से बिजली कंपनी वालों को दे ही देते हैं, और अगर ज्यादा देर तक नहीं आती तो फोन मिलाते हैं। फिर आपको जो जवाब मिलता है वो शायद ये होता है, पूरे शहर की गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन दोस्तों ये जो एक स्विच जितनी दूरी पर हमें इतनी सुविधा पहुंचाने वाली बिजली मिलती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती, उसके बनने में अपनी जो कठिनाइयां हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है जो आखिर में हमारे घरों के इंडिकेटर की रेड लाइट में आराम करते हुए नजर आती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी वो भी बिजली के विषय में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों बिजली बनाने के लिए जिस चीज का आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला, और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों हमें कोल क्राइसिस के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिला। वैसे उस बिजली के बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट्स, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वायर भी बनाया जा सके। ये प्लांट्स आमतौर पर 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए रहते हैं, लेकिन इनके एरिया का भी एक आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। आखिर कोयले की ये दादागिरी क्यों है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। असल में होता कुछ यूं है दोस्तों कि जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहां करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह तो चाहिए, लेकिन बात यह भी है कि इन कोयलों को यूं ही कहीं नहीं रख देते हैं, आखिर कोयलों के भी अपने नखरे होते हैं, इसीलिए इन्हें एक अलग से कोल यार्ड में बड़े प्रेम के साथ व्यवस्थित करके रखते हैं। सबसे पहले ये कोयले रेलगाड़ियों में भरकर प्लांट तक आते हैं, उसके बाद रेलगाड़ियों के डिब्बों को आपस में अलग कर देते हैं, फिर एक एक करके सारे डिब्बों को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरा ही पलट देते हैं, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाता है। फिर नीचे से इन्हें लगातार हटाते जाते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन कोयलों को आगे की तरफ भेज देते हैं, जहां इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। लेकिन अभी यहीं इन कोयलों के नखरे खत्म नहीं होते हैं, इन्हें जब प्यास लगती है तो ये अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं। इस वजह से जब हवा बहती है तो सारे कोयले के पार्टिकल्स धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इन्हें समय समय पर पानी से भिगोया जाता है। इसके बाद उन्हें वापस एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजते हैं, जहां इन पत्थर हो चुकी इनकी छोटी छोटी देह को क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है और बनकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर, वही जिसे चारकोल वगैरह कहकर फेस वॉश वाली कंपनियां अपना विज्ञापन चलाती हैं। खैर इन्हें इसलिए इस पाउडर में बदलते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और साथ ही कोयले के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बड़े इत्मीनान के साथ बॉयलर में भेजते हैं, जहां ये बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम एश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, और इस तरह पिक्चर में मुख्य किरदार की मौत हो जाती है, यानी यहां से अब कोयले का रोल खत्म। अब जो आग लगी रहती है वो सीधा उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पहुंचाती है जिनमें पानी भरा गया रहता है। ये सारी ट्यूब हीट लेकर पानी को भाप में बदल देती है। अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगा कर रखते हैं कि वेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रैवल करने के कारण घट ना जाए। अब कहानी में एंट्री होती है कोयले के प्यार की, जिसकी वजह से वो खुद जल गया था। हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट्स का हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो आगे हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। ये रोटेशन इसीलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर वेपर जैसे ही पाइप से निकलती है तो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है। चूंकि टरबाइन पर हिट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है,
इसीलिए जो टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले भाप के संपर्क में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो सबसे आखिरी में इसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। बड़े से जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं स्टोर नहीं करते बल्कि उसकी जगह उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजते हैं ताकि ट्रैवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं। जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को जो बिजली जाती है वो नहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जाती है, जो 1.2 KV की बिजली सप्लाई करते हैं। और आप अपने 220 वोल्ट की बिजली की मोहब्बत में एक मिनट भी खुद को उससे अलग नहीं रख पाते हैं। प्लांट्स में अभी एक जरूरी प्रोसेस और होता है, वो है कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाना। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। आपने ऐसे टावर तो देखे ही होंगे, ये सफेद से गोल ऊंचे टावर जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट्स का अंदाजा लगाते हैं, असल में वो उस कहानी के क्लाइमेक्स के बाद की कहानी है जिसे पोस्ट क्रेडिट कहते हैं। दोस्तों, कोई काम अपने आप में इतना आसान नहीं होता, और अगर बात उन सुविधाओं की करें जो हमारा जीवन आसान बनाती हैं तो वो और कठिन ही होती हैं। हमने जो पिक्चर की तरह कहानी आपको सुनाई है वो सुनने में तो काफी आसान लगती है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप कभी करीब से देखेंगे तो शायद आप पाएं कि कितना मुश्किल है इस तरह से कोयले से बिजली बनाना। इस प्रोसेस को जानने के बाद आप कोल क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।